गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की थी, इस महान ग्रंथ रामायण की रचना करने के लिए तुलसीदास जी को अपने प्रभु श्री राम जी एवं पवन सुत हनुमान जी से प्रेरणा मिली थी। क्या आपको मालूम है कि तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन कराने में एक प्रेत ने उनकी सहायता की थी। जिस प्रेत ने उनकी सहायता की वह एक पेड़ पर रहता था। यह एक बड़ी रोचक कथा है। शास्त्रों में वर्णित एक अद्भुत कथा के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी नित्य प्रातः जंगल में शौच को जाते तो रास्ते में एक सूखा पेड़ पड़ता था। उनके लोटे में जो पानी बचता वो उस पेड़ में डाल देते। दरअसल वो पेड़ जल न मिलने के कारण सूख रहा था। उसी पेड़ पर एक प्रेत रहता था। वह काफी समय से प्यासा था क्योंकि उसे जल देने वाला कोई नहीं था। तुलसीदास जी रोजाना शौच पर जाते, जो बचा हुआ पानी होता वो उस पेड़ में डाल देते। अब तुलसीदास जी नित्य नियम से ऐसा करने लगे। जो वृक्ष सूख रहा था उसे नित्य प्रति जल मिलने लगा। अब उस प्रेत को वहाँ पानी मिलने लगा और उसकी प्यास बुझने लगी और वो सूखा हुआ पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा। प्रेत प्रसन्न हो गया और तुलसीदास जी के सामने आ गया। प्रेत को सामने देख तुलसीदास जी थोड़ा घबरा गए। घबराओ नहीं तुलसीदास, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ। पानी के अभाव में ये पेड़ सूख रहा था। अनेकों लोग इस मार्ग से गए पर किसी का भी ध्यान इस सूखे पेड़ की ओर नहीं गया। पर तुमने मुझे जल पिलाकर मेरी प्यास बुझाई है। तुम्हारी देखभाल से इस पेड़ ने पुनः जीवन पा लिया। हे महात्मा, तुमने मेरा आवास नष्ट होने से बचा लिया। कहो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ? आपके वचन सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा ब्रह्म राक्षस, पर मैं किसी भी तरह की मोह माया से परे हूँ। पर जैसे मुझे अपने जीवन में जल चाहिए था, वैसे तुम्हें भी तो अपने जीवन में कुछ चाहिए होगा। आपने उचित कहा, आपकी ही भांति मेरी भी। एक प्यास है, यदि आपने वास्तव में इतना समर्थ है ब्रह्म राक्षस जी, तो मेरी एक सहायता कीजिए। मेरी वो प्यास बुझा दीजिए, प्रभु श्री राम के दर्शन की प्यास। मुझे उनके दर्शन करवा दीजिए। हे तुलसीदास, श्री राम के दर्शन कराने का सामर्थ्य होता तो मैं ब्रह्म राक्षस की योनि में क्यों भटकता? तो फिर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर तुलसीदास जी जाने लगे, तभी उस ब्रह्म राक्षस ने उन्हें रोक दिया। रुको, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। भले ही मुझ में सामर्थ्य नहीं, किंतु किसी में तो होगा। वही तो होगा जो तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर सकता है, और मैं उन्हें जानता हूँ। इस कलयुग में एकमात्र वही है जो तुम्हें तुम्हारे प्रभु श्री राम से मिलवा सकते हैं। वो कोई और नहीं, श्री राम भक्त हनुमान जी है। आपके कहने का अर्थ संकट मोचक हनुमान जी? ब्रह्म राक्षस जी, फिर तो आप मुझसे परिहास कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। राम भक्त हनुमान जी का जो भी स्मरण करता है, राम भक्त हनुमान उनकी पुकार अवश्य सुनते हैं। ये तो सत्य है ब्रह्म राक्षस जी, जो भी सच्चे हृदय से हनुमान जी को याद करता है उन्हें हनुमान जी के साथ साथ प्रभु श्री राम के दर्शन अवश्य होते हैं। पर समस्या तो ये है कि मुझे राम भक्त हनुमान आखिर मिलेंगे कहाँ? तुम उन्हें पहचानो या ना पहचानो, वो तो तुम्हें हर दिन मिलते हैं, तुम्हारी राम कथा पाठ में। क्या, मेरी राम कथा में? हाँ, वो तुम्हारी ही नहीं बल्कि सबकी राम कथा पाठ में आते हैं। कोई भी राम कथा पाठ बिना उनके पूर्ण नहीं होता। तुमने उन्हें अवश्य देखा होगा, जहाँ राम का नाम है वहाँ भक्त हनुमान जी अवश्य होते हैं। प्रेत की बातें सुनकर तुलसीदास जी सोच में पड़ गए। तभी उन्हें याद आया कि जब भी वह राम कथा कहते हैं तो एक वृद्ध सज्जन पुरुष सबसे पहले ही प्रस्तुत होते हैं और सबसे बाद में ही वहाँ से जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि वो न हो, अवश्य ही वही पवन पुत्र राम भक्त हनुमान है। तुलसीदास जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। तुलसीदास जी, देर न करो, तुम्हारी राम कथा का समय हो रहा है, हनुमान जी आते ही होंगे, तुम उनसे शीघ्र ही भेंट करो। हाँ, ये उचित रहेगा। पर जाने से पहले मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। यदि संसार में इस भक्त का नाम होगा तो इस भक्त के साथ साथ आपका भी नाम होगा। मेरी सहायता के लिए आपको श्रेय अवश्य मिलेगा। और फिर तुलसीदास जी प्रेत से विदा लेकर राम भक्त हनुमान जी की प्रतीक्षा करने लगे। हनुमान जी राम कथा में आए। तुलसीदास जी ने राम कथा का पाठ करना शुरू किया और वृद्ध सज्जन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कथा के अंत में जब वह प्रसाद देंगे तो उनसे भेंट करेंगे, पर यह क्या, हनुमान जी तो प्रसाद लेकर तुरंत ही वहाँ से गायब हो गए। तभी तुलसीदास जी ने एक बार फिर से राम नाम का जयकारा लगाया तो उन्हें कुछ दूरी से जय श्री राम की आवाज आई और वह पहचान गए कि हनुमान जी वही थे।
उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनके चरणों में शीश झुकाकर श्री राम दर्शन की प्रार्थना करने लगे। हनुमान जी अपने रूप में आ जाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, आपकी सदा ही जय हो। हे प्रभु, मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। हे पवन पुत्र हनुमान, आप तो राम भक्त हो, मुझे श्री राम के दर्शन करवा दो, मैं उनके दर्शनों का प्यासा हूँ। हे तुलसीदास, यदि आप भगवान श्री राम के दर्शन पाना चाहते हैं तो आप चित्रकूट जाओ, वहीं आपको प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे, क्योंकि आपका जन्म तो एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए ही हुआ है, जो आपको वहीं करना है। पर प्रभु, आपको मुझे वचन देना होगा कि राम दर्शन पाने हेतु आप वहां भी मेरी सहायता करेंगे। हे तुलसीदास जी, आप श्री राम कथा में जब भी उनका नाम लेंगे, मैं वहां अवश्य उपस्थित रहूंगा, आपका कल्याण हो। और फिर राम भक्त तुलसीदास को आशीर्वाद देकर पवन पुत्र हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ये पूर्णतया सत्य है कि जो कोई भक्त प्रेम पूर्वक भगवान श्री राम कथा का पाठ करते हैं, भक्त हनुमान राम कथा में अवश्य उपस्थित रहते हैं और उन भक्तों पर अपनी कृपा रखते हैं। राम भक्त हनुमान की कृपा से उन भक्तों के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। कहा जाता है कि जहाँ राम भक्त तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे, वही भक्त तुलसीदास जी ने संकट मोचन हनुमान जी का एक मंदिर बनवाया, ताकि लोग हनुमान जी की पूजा और आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। इसके पश्चात तुलसीदास जी चित्रकूट चले गए, जिसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम जी के भी दर्शन हुए। भगवान राम के दर्शन होने के पश्चात उन्हें श्री रामचरितमानस की रचना करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री राम से प्रेरणा पाकर लिखी जाने वाली पुस्तक रामचरितमानस दैवीय प्रभाव दिखाती है। किसी संकट के समय इसका पाठ करने से भगवान राम उससे मुक्ति दिलाते हैं। तभी तो कहते हैं कि भक्तों को सदैव अपने प्रभु पर आस्था और विश्वास रखना चाहिए, तो प्रभु के दर्शन अवश्य होते हैं और वे अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। राजेश नाम का एक ऑटो वाला ऑटो चलाया करता था। उसकी बीवी शीतल और 7 साल का बेटा राजू था। वो अपने परिवार के साथ